सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल को शीघ्र चालू कराने की मांग को लेकर सीतामढ़ी में चीनी मिल के कामगार आंदोलनरत हैं। लेकिन कामगार इस चीनी मिल को चालू कराने से पहले चीनी मिल द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य और केसीसी के 140 करोड़ बकाए का भुगतान कराने के साथ ही इस चीनी मिल के सीएमडी ओपी धानुका को गिरफ्तार कराना चाहते हैं। दरअसल अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले मिल के कामगारों ने सीतामढ़ी के वीर कुंवर सिंह चौक पर मुख्यमंत्री का सोमवार को पुतला फूका और सरकार से मांग की कि रीगा चीनी मिल इलाके के किसानों और लोगों के लिए आजीविका का बड़ा साधन रहा है, जिसे मिल के सीएमडी ने चौपट कर दिया है। आज जबकि बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में गन्ना उत्पादन को लेकर चीनी मिल की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, तो रीगा चीनी मिल को यहाँ के सीएमडी को हटाकर नए सीएमडी के हाथों मिल सौंपकर इसे चालू कराएं। इलाके के किसानों ने इसके लिए सोमवार को प्रदर्शन कर कहा कि बार बार मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाता रहा है कि रीगा चीनी मिल को धानुका बर्बाद कर किसान तथा कामगारों को परेशान कर रहा है, उस पर सरकार और साजिश और धोखाधड़ी के दर्ज मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएम की उदासीनता से किसान सड़क पर हैं, अभी भी सीएम पहल करें अन्यथा आंदोलन तेज होगा। रीगा चीनी मिल को बंद करने की नोटिस रीगा चीनी मिल मालिक के द्वारा दी गई है, इसके चलते किसानों में भारी गुस्सा है। हमारा 75 करोड़ रुपया बाकी है, 15 लाख क्विंटल गन्ना खेतों में है, करीब 70 करोड़ का गन्ना किसानों का खेतों में है और गन्ना कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोगों ने बार बार मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि भाई आप मध्यस्थता करिए, आप ही चाहिएगा तो रीगा चीनी मिल बच सकता है। आप बराबर उद्योग को खोलने की बात किए हैं, बंद उद्योगों को चलाने की बात किए हैं। रीगा चीनी मिल का मालिक ओम प्रकाश धर का साजिश करके मिल को नहीं चलने दे रहा है। इन परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री अभी भी हस्तक्षेप करें और रीगा मिल को चालू करने की व्यवस्था करें। आपको बता दें कि रीगा चीनी मिल अभी चालू हालत में है और इस चीनी मिल के प्रबंधन से गन्ना किसान परेशान है, लिहाजा इलाके के किसान इस मिल को बचाने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। खुलासा के लिए सीतामढ़ी से चंदन देव की रिपोर्ट। Thank you.